तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, जिसमें आपको स्नैपशीट से फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से ये फोटो एडिटिंग हुआ है, वह भी हाई क्वालिटी में, 4K क्वालिटी में। देख सकते हैं, ये आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ, वह भी स्नैपशीट के अंदर। वह भी आप कितना अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हुआ है। पहले का बैकग्राउंड कैसे था, अब यहाँ पे एडिट किया हुआ बैकग्राउंड कैसा है, तो देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे एडिट हुआ है। सेम ऐसे ही एडिट करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा भाई, तभी सेम ऐसे ही फोटो एडिटिंग करना आप भी सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड क्या करना होगा, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से, ये स्नैपशीट दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। तो आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस इसे मैं ओपन कर देता हूँ कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन आ जाएगा बड़ा सा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, एंड इस पर क्लिक करने के बाद जितना भी गैलरी में फ़ोटो रहेगा सारा यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद जो भी फ़ोटो को आपको बनाना है, उस फोटो को आप ले लीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, यहाँ पर मेरे को एक फ़ोटो चाहिए, तो मैं उस फोटो को ले लिया हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख लीजिए तीन ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको पहला वाला जो ऑप्शन दिखेगा इस पे ही क्लिक करना है, और कहीं नहीं क्लिक करना है फ्रेंड, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। एंड क्लिक करने के बाद ना, आपको ये जो ब्राइटनेस है इसको हल्का सा बढ़ा देना होगा, यानी कि आपको 20-22 रख लेना होगा कुछ इस तरीके का। तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा यहाँ से 20 रख लेता हूँ, यहाँ पे 21 रख लिया। एंड इसको सिचुएशन जो होगा, यहाँ पे सिचुएशन को क्या करना है, आपको थोड़ा सा घटा देना है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ इसको भी मैं 21-26 रख लेता हूँ। यहाँ पे इतना रखने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको जो ये हाईलाइट है इसको थोड़ा सा आपको कुछ इस प्रकार रखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 40 या 42 रख लीजिएगा। रखने के बाद यहाँ पे करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिएगा, नीचे डन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे डन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे सही का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, एंड यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके ऊपर देख लीजिएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे ही आपको क्लिक करना है। तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, करने के बाद यहाँ पे व्यूज एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे व्यूज एडिट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, और कहीं नहीं, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। तो ध्यान से फ्रेंड, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, एंड क्लिक करने के बाद क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ना वाइट जो रहेगा उसको आपको स्क्रीन पर लगाना है, तो और कहीं नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर वाइट करना है। तो देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वाइट हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो तब तक के लिए चलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाली कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे ही इसको एडिट करना है, यानी कि स्क्रीन पे ही इसको बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से कर दिए हैं। एंड इसको करने के बाद करना क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको डन का, यहाँ पे देख लीजिए, नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, एंड यहाँ से बैक हो जाइएगा। बैक होने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, ये अभी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। एंड इस पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो दिख रहा है, जो ये वाला बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको आपको लेना होगा। तो ये देख लीजिए, 12 वाला बैकग्राउंड है, तो इसको हम ले लेते हैं। इस पे करने के बाद आपको इस जो ये वाला दिख रहा है, इस पे ही क्लिक करना होगा, एंड इसको क्लिक कर लीजिएगा, एंड यहाँ पे इस पे क्लिक कर लीजिएगा, एंड इसको क्या कर लीजिएगा, दूसरा वाला सिचुएशन इसको पूरा घटा लीजिएगा कुछ इस तरीके का। तो देख लीजिए, मैं घटा लिया हूँ कुछ इस इतना पे। इसको घटाने के बाद आपको कुछ करना कि नहीं है, यहाँ पे जो है ना, इसको जो हाईलाइट जो इसको है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से बढ़ाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे डन कर लेना होगा। तो सेम वही प्रोसेस है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आइएगा, आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एंड यहाँ पे व्यूज एडिट पे क्लिक कीजिएगा, एंड क्लिक करने के बाद ना, ये जो ब्रश का आइकन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रश वाले आइकन पे ही क्लिक करेंगे, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
हुआ है इसको हटाना होगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से इसको जीरो कर लीजिएगा एंड जीरो करने के बाद यहाँ पे इसको हल्का सा जो फेस पे हुआ है इसको हटा दीजिएगा कुछ इस तरीके का जैसे मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्किन पे जो अप्लाई किए थे उसको मैं हटा चुका हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस एक और करना है, तो यहाँ पे आपको डन कर देना है कुछ इस तरीके का। एंड डन करने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड स्पेस टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखेगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो ध्यान से देख लीजिए ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आपको गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे जितना सारा फोटो रहेगा सारा यहाँ पे फोटो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड एक लेने वाला हूँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड दिखा। तो इससे हम क्या करेंगे, ये बैकग्राउंड को हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही आसान तरीका है, इस पे क्लिक कीजिएगा एंड इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे आप लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो फेस पे ये सब दिख रहा है इसको आपको हटाना होगा। ये देख लीजिए फेस पे जो दिख रहा है उसको हटाना होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा, व्यूज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और ये वाला जो ऑप्शन रहेगा इस पे ही क्लिक कर दीजिएगा। एंड करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या होगा फ्रेंड, जो ऐसे रहेगा आपको इसको जीरो कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। जीरो करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो इसके यहाँ पे दिख रहा है बाल पे दिख रहा है इसको आपको हटाना होगा। तो यहाँ पे जो फालतू चीज़ है इसको हटा दीजिएगा, तो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ एंड यहाँ पे हटा देने के बाद आपको करना क्या होगा, देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से एडिट हुआ है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से एडिट हो चुका है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे डन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। डन करने के बाद आपको करना क्या होगा फ्रेंड, इस पर फिर टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर वही वाला प्रक्रिया लेना होगा आपको, तो मतलब वही वाले क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है फोटो वाला उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से एक और बैकग्राउंड लेने वाले हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए ये वाला बैकग्राउंड हम लेकर यहाँ पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ एंड यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना कुछ इस तरीके का। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड एडिट हुआ है एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस जो है इसको हल्का सा कम कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम इसे कम कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।